अंतिम चरण का मतदान है, झारखंड विधानसभा चुनाव है, लोकतंत्र का त्यौहार है। धनबाद के लोग कैसे मना रहे हैं इस लोकतंत्र के त्यौहार को, क्या घरों से निकल रहा है वोट करने को, क्योंकि ये शुरुआत हुई है, 7 बजे हैं और अब धीरे धीरे वक्त बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मतदाता मतदान करने पहुंचेंगे ही। जिस बूथ पर आप हैं वहां की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। अभी हम बूथ नंबर 146 पे खड़े हैं और जहां 1300 मतदाता जो हैं आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। कहा जाता है कि पहले मतदान इसके बाद जलपान, क्योंकि अगर हम कोयलांचल की बात करें तो लगातार कोयलांचल के वोटिंग स्तर पे परसेंटेज की अगर हम बात करें तो लगातार कमी आई है, जिसे लेकर जिला प्रशासन के ओर से कई सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसलिए हम अपने तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि पहले आप मतदान करें इसके बाद जलपान करें, क्योंकि आपका एक वोट, ये उंगली में सिर्फ जो स्याही लगाई जाती है वो स्याही नहीं है, बल्कि हमारे प्रदेश की तरक्की की है, हमारे आने वाले भविष्य की तरक्की की वो निशानी है। तो इसलिए उस स्याही को आप स्याही न समझें, बल्कि अपना अधिकार समझें, अपना वोट समझें और मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचें। देखिए, अभी 7 बजे का समय हुआ है, अभी मतदान शुरू ही हुआ है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र की ओर रुख कर रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो लोग विकास चाहते हैं और विकास के नाम पर ही इस बार कहीं ना कहीं लोग वोटिंग करने के लिए घर से निकले हैं। अगर हम धनबाद झरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए, यहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, एक देवरानी है तो दूसरी जेठानी है और दोनों इस बार मैदान में है। एक कांग्रेस के उम्मीदवार है पूर्णिमा नीरज सिंह, तो वहीं दूसरी ओर से बीजेपी के ओर से रागिनी सिंह मैदान में है। अगर हम झरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो झरिया विधानसभा क्षेत्र में 2,80,390 वोटर जो हैं इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। अगर हम पुरुषों की बात करें तो 1,57,557 वोट हैं और महिलाओं की अगर हम बात करें तो 1,41,773 महिलाएं की संख्या है। तो देखिए, जिस प्रकार से वोटिंग करने के लिए घरों से लोग निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता दिख रही है। लोग जो घरों से निकलकर सुबह का समय है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। अगर हम देखिए सुरक्षा की बात करें तो जिला प्रशासन के ओर से, चुनाव आयोग के ओर से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सीसीटीवी कैमरे बूथ पर लगाए गए हैं और बीएसएफ के टुकड़ियां जो है वो यहां तैनात हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार आपको यहां पे सुरक्षा कर्मी दिख जाएंगे। बीएसएफ के जो जवान है वो आपको यहां दिख जाएंगे और 100 मीटर के अंदर तक किसी को भी प्रवेश करने से पूरी तरह से मना कर दिया गया है। जिन जो गाड़ियां हैं उसे रोड सड़क पर ही रोक दिया जा रहा है। मतदान केंद्र तक जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें पैदल आना होगा और अपने हाथों में आपको पर्चा लेकर ही आना होगा। तो लगातार आप देख सकते हैं कि वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुका है और बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अंदर प्रवेश करने के लिए दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जो जवान हैं वो सुरक्षा में लगे हुए हैं, जिला पुलिस के बल है वो सुरक्षा में लगे हुए हैं और लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र के ओर रुख कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बूथ नंबर 146 की बात करें तो देखिए यहां महिलाओं की भी संख्या अच्छी खासी है और यही कारण है कि सुबह सुबह का वक्त है और महिलाएं भी अपना मत का प्रयोग करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए महिलाएं भी घरों से निकलकर मतदान केंद्र के ओर रुख कर रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम यहां महिलाओं की बात करें इस बूथ में, क्योंकि कुल मतदाता जो है वो 1330 है और महिलाओं की अगर हम बात करें तो 619 महिलाएं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 1330 मतदाता हैं और उसमें से 630 जो है महिलाएं हैं तो महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद आपको दिख जाएगा। अगर हम झरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए यहां सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, बिजली, पानी और सड़क, और इसी मुद्दे को लेकर इस बार मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए घरों से निकलकर मतदाता पहुंच रहे हैं। तो चलिए कुछ हम मतदाताओं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या है। आप मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आपने यहां मतदान किया है। हम लोग वोटर देने के लिए इसलिए आए हैं कि हम लोग को बेरोजगार हैं, सबसे बड़ा बेरोजगारी है, बिजली है, पानी है, ये सबकी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, इसी के लिए हम लोग आए हैं और कुछ नहीं। आपने मतदान कर दिया? आप जरा अपना उंगली दिखाएं हमें,
कैमरे की तरफ दिखाएं, कैमरे की तरफ दिखाएं, ऐसे करके उंगली दिखाएं आप अपना। देखिए ये लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके आए हैं। और देखिए ये हाथ पे जो लगी सिहाई है, इसे सिहाई ना समझे, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपका मत है। अगर आप झारखंड के उत्थान चाहते हैं, अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य का उत्थान चाहते हैं, तो आप अपना मतदान जरूर करें, बाद में जलपान कर ले, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से कई सारे कार्यक्रम भी चलाए गए कि वोटिंग परसेंट में कहीं ना कहीं वृद्धि हो। तो आइए हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर आपने अपना मतदान किया है, ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर, क्या सोचकर इस बार आपने मतदान किया है? मतदान किए इसलिए हमारा देश को अच्छा चले, देश अच्छा रहे, इसी के चलते मतदान किया गया है। और सबको अच्छा, बाल बच्चा सबको अच्छा रहे, देश अच्छा रहे, इसी के लिए मतदान किया गया है। और क्या, चलिए एक और वोटर है जो अभी अभी वोट देकर निकले हैं, हम पहला वोटर से बात कर लेते हैं। देखिए ये पहला वोटर है, आप अपना नाम बताएं। लक्ष्मी कुमारी। देखिए लक्ष्मी कुमारी है, ये पहला वोटर है। और कहते हैं ना कि अगर महिला जागरूक हो जाए, अगर महिलाएं अपने हक और अधिकार के लिए आगे आ जाए, तो फिर प्रदेश के उत्थान के लिए कभी कोई नहीं, प्रदेश का उत्थान कोई नहीं रोक सकता। तो हम आइए फर्स्ट वोटर से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने पहला वोट दिया है, आप फर्स्ट वोटर भी है। तो ये बताएं कि आपके जहन में कौन से मुद्दे थे जब आप यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे? शिक्षा कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? शिक्षा तो बहुत बहुत बड़ा है मेरे लिए, मेरे लिए शिक्षा बहुत बड़ा है। इस बात की हमको खुशी है कि हम पहला वोट दिए हैं। और कुछ नहीं बोले, पानी बिजली की क्या? हाँ, सब कुछ ठीक है, मतलब पानी का बहुत दिक्कत चल रहा है, और बिजली भी मतलब ठीक ही है मोटा मोटी, लेकिन पानी बहुत दिक्कत है इधर। और क्या, बस चलिए। तो देखिए लगातार मतदान केंद्र में आ रहे हैं लोग, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम झरिया विधानसभा क्षेत्र में हैं, और झरिया विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र भागा में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पे लोग आकर वोटिंग कर रहे हैं, लोग लगातार आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए कुछ महिलाएं हैं जो अभी अभी मतदान करके मतदान केंद्र से निकले हैं। आपने अपना मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर इस बार आपने वोटिंग किया है? जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। विकास, आपने विकास के नाम पर? हाँ, ठीक। आपने भी विकास के नाम पर? तो देखिए इस बार का जो मुद्दा है वो है विकास का, क्योंकि हमने पहले चरण में भी देखा, अगर हम बात कर ले संथाल, अगर हम बात कर ले कोल्हान के, तो देखिए कोल्हान और राजधानी रांची में पहले फेज का चुनाव हुआ, और उस फेज में भी हमने बरकट्टा, बरी, चौपारण, झुमरी, तलैया विधानसभा क्षेत्र का हमने भ्रमण किया, और लोगों ने एक ही सुर पर कहा कि हमें विकास चाहिए, हम विकास के नाम पर ही इस बार वोट कर रहे हैं। और इस बार भी अगर दूसरे फेज की बात करें, तो देखिए जिस बूथ पे खड़े हैं वह है स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग का केंद्र है, बूथ नंबर 146 है, जहां 1330 मतदाता हैं, और महिलाओं की संख्या 600 से अधिक है, पुरुषों की संख्या लगभग उतने की है। तो यहां भी देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र की ओर रुख कर रहे हैं, मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम अपने तमाम दर्शकों से भी ये अपील करेंगे कि आप अपने मत का प्रयोग करें, घर से निकले, अपने मतदान केंद्र पहुंचे, और पहले मतदान करें, इसके बाद जलपान करें। जी अच्छा प्रकाश, देखिए पहले चरण में हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग हुई, प्रतिशत वोटिंग प्रतिशत जो थी वो ज्यादा थी, लेकिन उसी के तरह अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर वोटिंग प्रतिशत थोड़ी कम हुई, और ये आश्चर्यजनक थी, क्योंकि शहर के लोग ज्यादा अवेयर होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी भी चीज से, लेकिन वो लोग अवेयरनेस के मामले में शहरी क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा आगे आता है, लेकिन फिर भी वहां पर वोटिंग प्रतिशत कम हुई। इस बार को लेकर क्या कहेंगे, क्या, क्योंकि पिछले बार जब वो आंकड़े निकलकर सामने आए तो प्रशासन भी थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव हुई और प्रशासन ने थोड़ी तैयारी अपनी और मजबूत की, तो क्या लग रहा है इस बार क्या बराबरी के आंकड़े होंगे या फिर इस बार भी शहरी क्षेत्र जो है वो पीछे रह जाएगा आंकड़ों के मुकाबले में? देखिए अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो झरिया विधानसभा क्षेत्र का, देखिए बहुत सारा इलाका जो है वो क्षेत्रीय विधान शहरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, ग्रामीण की अगर हम बात करें तो ग्रामीण बहुत ही कम यहाँ क्षेत्र हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो देखिए लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में
बढ़ोतरी हुई है शहरी क्षेत्रों के मुकाबला। अगर हम झरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हम धनबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो लगातार जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के ओर से वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े इसका लगातार ख्याल रखा गया, लगातार कार्यक्रम किए गए चुनाव आयोग के ओर से, जिला प्रशासन के ओर से कई सारे नुक्कड़ नाटक आयोजन किए गए और उस नाटक के माध्यम से यह जताने का प्रयास भी किया गया कि आप घरों से निकलें, मतदान करें। मतदान क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप अपना मतदान करते हैं, आप अपना एक वोट देते हैं, तो आप अपने प्रदेश की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, आने वाले भविष्य जो है उस भविष्य को आप बेहतर करते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। तो इसे लेकर आप घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंचे, ये लगातार जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के ओर से ये अपील भी किया गया है और लोग घरों से निकल भी रहे हैं। क्योंकि अगर हम झरिया विधानसभा सीट की बात करें तो देखिये, झरिया विधानसभा सीट हॉट सीट माना जाता है, यहां देवरानी और जेठानी के बीच सीधी टक्कर है। देखिए, यहां जयराम महतो के पार्टी से रुस्तम अंसारी जरूर मैदान में है, लेकिन टक्कर जो है वो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच है। लगातार जो यहां बड़े नेताओं का आगमन भी हुआ है और सभी ने विकास की बात पर ही मोहर लगाने के लिए कहा, तो विकास को लेकर लोग घरों से निकल रहे हैं, विकास को लेकर लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं और बूथ नंबर 146 जहां सुबह का समय है और सुबह का समय में ही लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार लोग घरों से निकलकर अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी प्रकाश, अच्छा देखिए, अब मतदान तो हो ही रहा है, जैसे ही चुनावी बिगुल बजा, जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ तो TV45 ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और आप लोग लगातार फील्ड पर बने हुए थे, हर क्षेत्र का, हर जगह का, और जनता जहां अलग अलग, जहां क्षेत्रों की जनता है, सबका अपना एक अलग अलग मुद्दा है। आप झरिया में मौजूद हैं, आपने लगातार झरिया का भ्रमण किया, क्या वहां के क्या मुख्य मुद्दे हैं जिससे जनता, जिसको लेकर इस बार विशेषकर जनता जो है वो मतदान कर रही है? जी प्रकाश, प्रकाश आप सुन पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि जी 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 एक बार सवाल फिर से दोहराएं। सवाल ये था प्रकाश मेरा कि जैसे ही चुनावी बिगुल बजा, TV45 भी एक्टिव हुई और हमने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और आप लोग लगातार जो विधानसभा क्षेत्र है वहां का भ्रमण कर रहे हैं, और विशेषकर अगर आपकी बात करें तो आप झरिया में लगातार बने हुए थे और अभी भी आप झरिया में मौजूद हैं, तो वहां की जनता इस बार विशेषकर किस मुद्दे को लेकर के वोट करें, क्योंकि मुद्दा प्रकाश काफी अहम हो जाता है। विकास तो सबको चाहिए, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, ये सभी चाहता है, लेकिन एक मुद्दा होता है जिसको लेकर के जनता वोट करती है और सभी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, झरिया के क्या मुद्दे हैं? तो चलिए हम कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तो आइए कुछ हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं, आप मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप अपना मत करने के लिए पहुंचे हैं? एडुकेशन और आपका रोजगार और स्पोर्ट्स में, जैसे यहाँ होना, जैसे रांची में स्टेडियम है, धनबाद में भी स्टेडियम होना चाहिए, उसी जैसे चंदन क्यारी में भी अमर बावरी बनाया स्टेडियम, तो यहाँ पर भी सब जैसे विधायक लोग है, स्टेडियम बनाना चाहिए। इसी के शिक्षा, हाँ तो बोले एडुकेशन के लिए भी तो बोले, हाँ एडुकेशन और रोजगार जैसे देना चाहिए। अगर हम झरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितना विकास हुआ है झरिया विधानसभा क्षेत्र? हुआ है, मतलब यहाँ जो बेलगड़िया में था RSP यहाँ लाया गया, फिर जो MSP वाला रोड है वो बना हुआ है, और तो पता नहीं, और बोला गया कि हॉस्पिटल लाया यहाँ जेलगोड़ा में, वही हुआ बस। चलिए ऐसे ही कुछ और हम वोटरों से बात करते हैं। ये बताएं कि आप मतदान केंद्र में आए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, किन मुद्दों के साथ आप अपना मतदान करेंगे इस बार? हम आए हैं वोट देने के लिए, देखा जाए कि इस विचार में हम लोग का रोड नली बहुत तरह का दिक्कत है, इसके कारण कोई साथ अभी दे नहीं रहा, बाकी तो फिर भी हम जा रहे हैं वोट देने के लिए, देख लेते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि विकास होगा, उम्मीद है कि विकास। ऐसे ही कुछ और हम युवा वोटरों से बात कर लेते हैं। ये बताएं सर कि आप मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे अपना? देखिए,
क्या मुद्दे हैं आपके जहन में, कौन से मुद्दे आपके जहन में है जिसे लेकर आप मतदान करेंगे इस बार? विकास, विकास हो, विकास, विकास के लिए। तो चलिए हम ऐसे ही लगातार जो वोटर हैं उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो इतने भी वोटर यहाँ पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार हमें विकास चाहिए। कुछ और हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताएं कि आप मतदान केंद्र में अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं, किन मुद्दों के साथ इस बार आप मतदान करेंगे? मुद्दा हम लोग का जो झरिया का मुद्दा, सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो आज नहीं पिछले विगत 30-35 वर्षों से है, वो है पानी का मुद्दा। पहला है पानी का मुद्दा। अभी देखिए दुर्गा पूजा के समय 20 दिन के लिए नल बंद कर दिया गया था, 20 दिन। उस 20 दिन में कोई भी एक नेता यहाँ पे शुद्ध तक लेने नहीं आया कि कैसे क्या होगा, इतना बड़ा पर्व है, पूजा है। और जबकि जब बन गया माडावाला ने वहां बनाया तो सारा नेता अपना अपना श्रेय लेने पहुंच जाता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है हम लोग का बिजली का। अभी कुछ हद तक जो है कि 10% जो है बिजली सुधरी है, लेकिन बिलिंग वही है जैसे पहला बिलिंग होता था। वो कहने के नाम पे है कि हम बिल माफ कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा मुद्दा तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है फ्लाईओवर धनबाद का। ये जो हम लोग बैंक मोड़ जाम से जो हम लोग को निजात हम लोग को दिलाना है, ये विगत 30-35 वर्षों से चला आ रहा है, ये पास हो गया, वो पास हो गया, लेकिन आज तक फ्लाईओवर एक नहीं बन सका धनबाद में। तो विकास मेन मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो देखिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। आखिर विकास किस चिड़िया का नाम है? आखिर वो विकास कहां पे बैठा हुआ है? आखिर झरिया विधानसभा क्षेत्र में ये विकास कब आएगा? आज भी लोगों को इंतजार है, आज भी वोटरों को इंतजार है, लेकिन उम्मीद कहीं से भी कम नहीं है। उम्मीद यही है कि विकास होगा। आइए कुछ और हम नए वोटरों से बात कर लेते हैं। देखिए एक वोटर जो है अभी अभी मतदान करके बाहर निकले हैं, जरा आप अपना उंगली दिखाएं। देखिए इन्होंने अभी अभी मतदान करके बाहर निकले हैं, तो हम इन्हीं से बात करते हैं। सर आपने किन मुद्दों को लेकर इस बार अपना मतदान किया? हमारे यहाँ के सड़क हो, नाली हो, चाहे जो हमारे घर के आसपास में छोटे छोटे बस्ती है, यहाँ उन लोगों का पिछले सरकार के अनुसार ना उन लोगों का अभी तक आधार बना है। और जैसे ही इलेक्शन आता है सबके घरों में पैसा वगैरह सब पहुंचाया जाता है, बट इससे पहले लोग कहाँ रहते हैं और हमारे क्षेत्र पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? और इलेक्शन के वक्त ही उन लोगों को निकलना रहता है, उससे पहले कहाँ चले जाते हैं? और हमारे यहाँ का देखे होंगे सड़क हो, नाली हो, और खास करके अभी के समय में जो हमारे झरिया का स्तर इतना गंदा हो चुका है, डस्ट से पूरा झरिया झुलस रहा है, पानी, डस्ट, बिजली, इससे पहले आज से 10 साल पहले उतना तकलीफ नहीं था जितना कि अब हो रहा है। और हमारे यहाँ का शिक्षा स्तर भी बहुत गिर चुका है, बहुत लोगों को पढ़ने की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। इस पे सरकार अभी वर्तमान में जो सरकार है उससे हम असंतुष्ट है। यहाँ तक कि हम लोगों का जो एग्जाम अभी CGL और SSC का एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, जिसके कारण हम लोग ना नौकरी ले पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। तो देखिए आपने युवाओं का दर्द सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें विकास चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला हो, चाहे सड़क की बात हो, नाली की बात हो, गली की बात हो, हर कोई विकास के मुद्दे पर इस बार मतदान करने के लिए घरों से निकलकर मतदान केंद्र के ओर रुख कर रहे हैं। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पे BSF के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है, और आप देख सकते हैं कि बूथ के बाहर और बूथ के अंदर दोनों जगह BSF के जो जवान हैं, जिला पुलिस के जो बल हैं, वो यहाँ तैनात हैं। और आप देख CCTV कैमरे के माध्यम से प्रकाश आपके साथ बने रहेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर टुंडी से चंद्रशेखर भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। जी चंद्रशेखर, 7:30 बज चुके हैं और 7 बजे का समय था जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो रही थी। EVM वगैरह कैसे काम कर रहे हैं वहां पर? जी सभा क्या टुंडी के विभिन्न बूथों में मतदान हो गया है, लेकिन बाद में उसको ठीक कर दिया गया है और 7 बजे के बाद वोटिंग शुरू हो गया है। कुंडी विवेकानंद में 3840 जो बूथ है यहाँ पे मौजूद है, और पूरे बूथ में लोग सुबह से आना शुरू कर दिए हैं, भीड़ लगी हुई है और मतदान हो रहा है। बूथों पर क्या कुछ इंतजाम है मतदाताओं के लिए?
मतदाताओं से, मतदाताओं के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं बूथ पर, जैसे अगर बुजुर्ग मतदाता आ रहे हैं या फिर विकलांग आ रहे हैं तो क्या इंतजाम है? जी मतदान के लिए जो विकलांग है उनके लिए साइकिल की व्यवस्था की गई है, जो दूर दराज साहब है उनके लिए गाड़ी की भी व्यवस्था की है, लेकिन टुंडी में खास बात यह देखने को है कि महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लोग बड़ा संख्या हिस्सा मतदान में ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से प्रकाश की ओर रुख करेंगे। प्रकाश हमारे साथ तस्वीरें साझा कर रहे थे, मतदाताओं से बात भी करा रहे थे। झरिया के वो मतदाता थे जो लगातार, अगर सभी मतदाताओं की जिनसे प्रकाश ने बात की, सभी कह रहे थे कि हमें विकास चाहिए, विकास का मुद्दा ही, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे देश और राज्य का विकास हो, लेकिन उसके लिए हमें मतदान करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र का त्यौहार है। मैं फिर कहूंगी हर त्यौहार को मनाने का अपना एक अलग तरीका होता है, कहीं पर पूजा पाठ होते हैं तो कहीं पर मतदान होता है, तो ये लोकतंत्र का त्यौहार है तो यहाँ आपको मतदान करना है। एक बार फिर से रुख करेंगे प्रकाश की तरफ, और प्रकाश जिस तरीके से कहा जाता है ना कि पहले मतदान फिर जलपान और आज छुट्टियां भी दी गई हैं, तो इसको लोग किस तरीके से, क्या ये तस्वीर देखने को मिल रही है पहले मतदान और फिर जलपान वाली? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले मतदान इसके बाद जलपान, और इसे लेकर जिला प्रशासन के ओर से कई सारे ठोस नियम जो है वो उठाए गए हैं। देखिए अगर हम बात कर ले सरकारी और गैर सरकारी संस्थान, तो सभी संस्थानों को जिला प्रशासन के द्वारा चिट्ठी पहले ही निर्गत कर दी गई है कि आज का दिन यानी आज जो भी कर्मचारी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें आज छुट्टी दिया जाएगा, और ऐसे लेकर लोग अपने मतदान केंद्र में मतदान करें यह भी सुनिश्चित करने के लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं उससे कहा गया है कि अगर आप घरों से निकलते हैं, अगर उनके कर्मचारी को आपने, अपने कर्मचारी को आपने छुट्टी दिया है, तो कम से कम ये सुनिश्चित। अच्छा, आपको रोकना चाहेंगे।